नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनसीपी के पार्टी चंद्रशेखर जी, और इनसे हम बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव है तो क्या ऐसी तैयारी है, और जो चुनाव कैसे आप लोग जीत रहे हैं। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। देखिए, मैं मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उपभोक्ता विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी 145 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सारे कैंडिडेट हमारे मजबूत हैं, ग्रास रूट लीडर हैं, और हम कम से कम 50 से 60 सीटों पर हमारी जीत होगी और सरकार बनेगी हमारे मदद से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंगूठा है, बिना अंगूठा के कोई काम नहीं होता है, इसलिए हमारी पार्टी इस बार सरकार में रहेगी और बिना हमारे पार्टी के सरकार नहीं बनेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। इसलिए हम लोग दमखम से लड़ रहे हैं। हम भागलपुर गए हुए थे, भागलपुर में हमारे कैंडिडेट हैं अनुज कुमार मंडल, जो कि मजबूत कैंडिडेट हैं कहलगांव से, और वहाँ पर उनके भाई जो कि आज प्रेजेंट सिटिंग एमपी हैं वो भी मदद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। हम 145 में से कम 50 से 60 सीट तक। लेकिन सर, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियां जो है वो कह रही है कि एनसीपी तो कहीं दिख नहीं रही है, एनसीपी का तो पहले ही सुपड़ा साफ है। वो सब तो विरोध में बोलेगा ही, जब हमारी पार्टी के नेता हैं शरद पवार। शरद पवार से बढ़कर कोई नेता आज के डेट में देश में नहीं है, और नरेंद्र मोदी को मुकाबला देने वाले अगर कोई है तो वो है शरद पवार। और आप देख रहे होंगे कि जो अन्य पार्टी हैं, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तो प्रधानमंत्री जब बिहार में आकर के प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो फिर शरद पवार जी क्यों नहीं बिहार आते हैं, क्यों नहीं पार्टी को एक नेशनल तरीके से लेकर के चलते हैं, तो ये तो सही साबित ना हो रही है। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है और पवार साहब का भी प्रोग्राम आने वाला है और पवार साहब भी प्रचार करेंगे, सुप्रिया सुले ताई भी प्रचार करेंगी, और प्रफुल्ल पटेल आएंगे, के शर्मा आएंगे, और हमारे राष्ट्रीय सचिव सजिता बाबू हैं, अभी प्रभारी में अभी हैं, अभी बिहार पटने में हैं, और आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इसलिए हमारी पार्टी का हर जगह झंडा बुलंद है, चारों तरफ हमारा। सर, सिर्फ आपके दावे से नहीं होंगे, 28 अक्टूबर को पहले मतदान होने वाले हैं, फिर उसके बाद में 3 नवंबर को होने वाले, 7 नवंबर को होने वाले हैं, तो आपके पास वक्त कहाँ है जो आप इतना इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे? ना, हमारे पार्टी के और कार्यकर्ता और नेता चारों तरफ लगे हुए हैं, हमारा प्रचार प्रसार बहुत है, और हम 50 से 60 सीट के बीच में चुनाव जीतेंगे इस बार, और हम कोई भी सरकार बनेगी उसमें हमारी भागीदारी रहेगी, बिना हमारी भागीदारी के कोई सरकार बना ही नहीं सकता है। तो कहीं एनसीपी पार्टी दिख क्यों नहीं रही है, कहीं भी नहीं दिख रही है? जैसे जितने जो पार्टियां अन्य पार्टियां जो हैं, जो हर जगह चुनाव प्रचार प्रसार में अपना जीवो जान लगाई हुई है और फ्रंट पे रह रही है, तो फिर एनसीपी क्यों इतना पीछे है, जो कि नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी होकर के ऐसे क्यों है? एनसीपी छाया हुआ है, हमारे विरोधी लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि एनसीपी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, एनसीपी चारों तरफ छाया हुआ है। हमारे विरोधी पार्टी जो है महागठबंधन और एनडीए वाले हमारे विरोध में प्रचार कर रहे हैं, जानते हैं कि यही एक नेशनल पार्टी है, इसी का नेता शरद पवार जो है जो कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में, इसलिए इन लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी लड़ रही है दमखम से और हम आएंगे, बिना हमारी सरकार नहीं बनेगी, समझ लो। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या जनता का रिएक्शन रह रहा है आपकी तरफ? जनता 15 साल नीतीश कुमार जी का शासन देख लिया, 15 साल राजद का लालू जी का शासन देख लिया है, अब जनता विकल्प की खोज में है, और विकल्प के रूप में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिख रहा है, घड़ी चाप दिख रहा है, जहां देखें घड़ी चाप वहीं बटन दबाएं आप, हमारा यही प्रचार है, यही नारा है, शरद पवार के नाम पर, और बटन दबाइए घड़ी छाप पर। अच्छी अच्छी बिहार में जो पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो लोगों से अलायंस कर रही है, तो फिर एनसीपी क्यों नहीं किसी से अलायंस कर रही है? हमसे सबको प्रतिस्पर्धा है, उन लोग नहीं चाहता कि पार्टी आगे बढ़े, हम बढ़ने वाले पार्टी नहीं है। आखिर क्यों? आखिर बॉम्बे में हमारी सरकार है और सरकार हम चला रहे हैं, शरद पवार हमारे नेता हैं, ऐसी स्थिति में सबको जलन है कि ये पार्टी आगे मत बढ़ जाए, और सब पार्टी से हमारे नेता एक नंबर में है, पवार साहब से बढ़कर कोई नेता नहीं है।
आज के डेट में। इसलिए अगला प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग शरद पवार को पेश करेंगे और शरद पवार नरेंद्र मोदी को हटा सकते हैं। अब बिहार में तो बिना हमारे कोई सरकार बन ही नहीं सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ चंद्रशेखर सिंह जी कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी जो है वो जीत रही है और हमारी पार्टी भी किसी पार्टी से भी पीछे नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी नेशनल पार्टी है और जब जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो जनता का प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन जो समय है वो आगे चल के क्या कुछ परिवर्तन लाता है, क्या कुछ रंग लाता है, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है। आगे बनाए रखें। धन्यवाद।